हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हमने मंदिर के लिए तोरण बनाया है। देखिए, आप इसे छोटा और बड़ा अपने हिसाब से जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। और मोती लगाए हैं हमने। देखिए, आप चाहे तो बिना मोती का भी बना सकते हैं, लेकिन मोती बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इन्हीं तीनों कलर से हम बनाएंगे। देखिए, ये वाले तीन कलर है, उसी से हम बनाएंगे। तो पिंक से हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमने, देखिए इसकी लंबाई बता दूं पहले तो आपको, आपका पूजा घर जितना भी हो उतना आप इसे बना सकते हैं। देखिए 12 इंच है, और आप इसे थोड़ा सा खींच करके इस तरह से टांगेंगे तो ये थोड़ा सा वूल जो है वो स्ट्रेचेबल होता है। तो 13 इंच के आसपास के मंदिर जो होगा वो उसको आ जाएगा। और आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से बड़ा आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हमने 81 चेन बनाई है, 81 चेन बनाई है 81। तो देखिए इस तरह से पहले तो हम लूप बना लेंगे और इसके बाद चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से आप 81 चेन बना लीजिए 81। देखिए हमने 81 चेन बना ली 81। और अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर थंब रखेंगे 1, 2 और 3। 3 चेन ले ली, और ये 3 जो चेन हमने पीछे से बनाई है उसे हम स्किप कर देंगे। और ये चौथी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर टोटल चेन हम गिनेंगे तो हमने 84 चेन बनाई है। और अब हमें इस तरह से ये जो 3 स्किप की वो भी साथ में गिनेंगे तो 84 होगी, वरना 81। तो अब हमें इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे कोई भी चेन नीचे हमारी स्किप नहीं होगी। और 3 की चेन को साथ में गिनेंगे तो हमारे 82 आ जाएंगे। देखिए शुरू में जो हमने 3 की चेन बनाई है उसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो इसी तरह से आप हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है, लेकिन जब हमारे थोड़े से डबल क्रोशे बाकी है तब हम इस धागे को इस साइड मोड़ देंगे और साथ में लेकर के डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे, तो वो धागा हमारा साथ में आ जाएगा ऐसे करके हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। और अब हमें यहाँ पर देखिए, ये जो हमने चेन की रो बनाई है इसे हमने चेन में बनाया है, तो वो वाली रो हमें यहीं से ही स्टार्ट करनी है और यहाँ से ही हम पलट देंगे। देखिए 1, 2 और 3 चेन लेनी है। पहले हमने 3 लेनी है, फिर बाद में हम 2-2 ही बनाएंगे। और फिर शुरू में हमने 3 चेन ली तो वो नहीं गिनेंगे, इसके बाद का 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 और 2 चेन, 1 और 2 नीचे भी स्किप करेंगे और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया ऐसे। फिर से 1 और 2 चेन, फिर से नीचे भी 2 स्किप और सिंगल क्रोशिया ऐसे। फिर से 1 और 2 नीचे भी 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही आप राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 2 चेन लेनी है, नीचे भी 2 स्किप करने हैं। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। आखिरी बार हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो चेन है हमारी आखिरी में, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए 2 स्किप करेंगे और आखिरी में ऐसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हम एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। और यहाँ से ही आप इसके ऊपर अगर रो या तो किनारी बनाना चाहते हैं डबल क्रोशे की रो के ऊपर, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट दिया है। फिर हम इसे नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे या तो वर्क करते वक्त साथ ले लेंगे। अब हमारी ग्रीन रो आएगी। और देखिए राइट साइड हमारी ए वाली है। हमने जो चेन बनाई थी वो उल्टी साइड से बनाई थी, क्योंकि वहाँ से हमें टर्न ले लेना था। तो ये हमारी राइट साइड है, जो हमने पहले ए वाला बनाया था वो वाला।
तो हम इस धागे को साथ ले लेंगे और यहाँ पर से ही हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये ग्रीन वाला हिस्सा, तो अब हमें ग्रीन धागा लेना है और पहला जो हमने बनाया है हॉल इसके अंदर डाल करके ग्रीन धागे को स्टार्ट कर देंगे। ऐसे यहीं से ही ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे, फिर एक दो और तीन चेन बनाएंगे और इसके बाद लूप लिया, इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, कंप्लीट नहीं करना है। इस तरह से दो लूप क्रोशे में रहने देंगे, फिर से लूप लिया, इसी के अंदर डाला और फिर से आगे के दो निकाल दिए। अब जब तीन हो जाएगा तब हम निकाल देंगे और फिर एक दो और तीन चेन लेंगे, फिर से लूप लिया, इसी के अंदर डाला, आगे के दो निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, इसके अंदर डाला, आगे के दो निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, हॉल में डाला, आगे के दो निकाल देंगे। तीन बार ऐसा करना है, चार लूप हमारे क्रोशे में हो जाएंगे तब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर हमें यहाँ पर दो चेन लेनी है और फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर, देखिए सॉरी नेक्स्ट वाला स्किप करना है और इसके बाद वाला जो है वो हमें लेना है, ऐसे इस तरह से, फिर से दूसरी बार, फिर से तीसरी बार, ऐसे चारों को एक साथ निकाल देंगे। बीच में हम एक दो और तीन चेन लेंगे, फिर से इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले डबल क्रोशे में किया था, दो बार और ये तीन बार, चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर से दो चेन लेंगे। तो इसी तरह से अब हमें नेक्स्ट वाला लूप छोड़ देना है और इसके बाद वाले में बनाना है। एक लूप हम स्किप करेंगे, एक लूप में हमारा ये वाला बनेगा। तो ये जो लूप है वो हमारे 27 आए हैं, देखिए ये वाले, और एक छोड़कर एक में हमें बनाने हैं, तो ये हमारी पैटर्न 13 आएगी। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, ऐसे ही बनाते जाए। यहाँ पर बीच में दो चेन लेनी है, चेन ले ली, एक हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर इस तरह से फिर से पैटर्न बना देंगे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है, आखिरी बार हमें बनाना है। बीच पे दो चेन बना ली, अब आखिरी वाला बना लेंगे इससे। चारों को एक साथ निकाल दिया, अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे बीच में और वापस से फिर से इसी तरह से बना लेंगे तीन बार, और अब हम यहाँ पर सभी को एक साथ निकाल देंगे और एक चेन लेकर के थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे, फिर बाद में धागे को काट देंगे। अब वापस से हमें पिंक स्टार्ट करना है, लेकिन इस साइड से करेंगे, सारा हमारा राइट साइड ही बनना चाहिए। देखिए सिर्फ हमने चेन वाली रो ही उल्टी साइड से बनाई है, बाकी सारी रो हमारी राइट साइड है ही बनेगी। देखिए इसके अंदर वाली जो पिंक है वो अब हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर से वापस से पिंक धागा हमें स्टार्ट करना है, तो वापस से इस साइड से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए इसी हॉल के अंदर से हम स्टार्ट कर देंगे, ऐसे एक दो और तीन चेन बना ली, इसी के अंदर डबल क्रोशिया, तो तीन की चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। देखिए सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ ग्रीन में से स्टार्ट करेंगे, इस वाले ग्रीन की यहाँ पर से डाल देंगे और यहाँ पर एक और दो चेन बना देंगे और फिर इसी के अंदर से स्टार्ट करेंगे ऐसे। आप यहाँ पर एक चेन बनाएंगे तो भी चलेगा और दो चेन बनाएंगे तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट में एक चेन बना ली, अब हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, दो बार डबल क्रोशिया बनाया और अब हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, दो बार धागा घुमाएंगे और दो दो करके हमें तीन बार निकालना है। एक बार ऐसे किया, दूसरी बार किया, एक बार दो निकाला, दूसरी बार और ये तीसरी बार, और ये तीसरी बार ट्रिपल क्रोशिया है, तीन बार हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है ऐसे। फिर से दो बार डबल क्रोशिया, एक और ये दो, ऐसे
दो बार डबल क्रोशिया, तीन बार ट्रिपल क्रोशिया और फिर से दो बार डबल क्रोशिया। और अब हम नेक्स्ट में यहाँ पर हॉल में सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे, फिर से वापस से ऐसे ही करेंगे दो बार डबल क्रोशिया, एक किया और ये दूसरा किया। और अब हम तीन बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, दो दो करके तीन बार निकालना है, इसे हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे ऐसे दो किया, ये तीसरा, और फिर से डबल क्रोशिया दो बार, दो डबल क्रोशिया, तीन ट्रिपल क्रोशिया और वापस से दो डबल क्रोशिया और बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है और ये वाला जो ग्रीन धागा हमने यहाँ यहाँ से काटा था, इसे इस साइड मोड़ देंगे और साथ ले लेंगे, क्योंकि हमें इसकी नॉट भी नहीं लगानी पड़ेगी। ऐसे क्रोशिया करते वक्त साथ ले लेंगे, दो डबल क्रोशिया किया, अब तीन बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे ही हमें आखिरी तक बना देना है, इस धागे को हमें साथ रखना है। देखिए आखिरी तक बना लिया है हमने और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को लंबा रख करके काट देंगे ऐसे, और फिर से इस साइड से अब हम वाइट किनारी बनाएंगे, इसमें बनाई है वो वाली। तो इस साइड से फिर से हमें वाइट धागा स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से करेंगे हम, यहाँ पर जो हमने चेन बनाई थी पहले शुरू में तीन, इसकी ऊपर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक और एक दो सिंगल क्रोशे बना दिए और फिर एक चेन, वापस से यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, थोड़ा सा अंदर से बनाएंगे ऐसे एक बार, फिर से एक बार चेन और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशे। तो ये सिंगल क्रोशे हमने बना दिए और फिर से यहाँ पर और एक बार बना देंगे ऐसे। यहाँ पर भी आप चाहे तो दो बार बना सकते हैं, पूरा कवर हो जाए इस तरह से दिखना चाहिए हमारा, ऐसे ही हमें करना है। देखिए यहाँ पर पिंक के ऊपर अगर क्रोशिया चला जाए तो यहाँ पर हम बना देंगे ताकि हमारा साफ साफ दिखाई दे जो वाइट हमने बनाया है वो ऐसे। तो ऐसे हमने बना दिया और अब जो हमारा पहला ये पिंक वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में डाल करके हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है एक, और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में दो, दो बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है लेकिन ऐसे, देखिए तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर एक दो और तीन चेन बनाई, और तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए इस साइड के जो दो लूप है ऐसे उठा करके इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देना है, फिर से लूप लेकर के, सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट वाले के अंदर लूप नहीं लेना है, ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से एक दो और तीन चेन बनानी है और इसी के जो साइड में दो लूप आते हैं उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशे बना देने हैं ऐसे, फिर नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर से एक दो और तीन। फिर से देखिए जो साइड में लूप दिखता है हमारा ये वाला, पीछे का और आगे का दोनों का लेना है साथ में, दिखे ऐसे इस लूप को लेकर के इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो दो बार हमने इस साइड किया, तीन ऐसे चेन वाले किए और वापस से अब हम दो बार सिंगल क्रोशे यूँ ही बनाएंगे। शुरू में जो हमने दो बनाए थे वो डबल क्रोशे के ऊपर बनाए, तीन हमने ट्रिपल क्रोशे किए थे इसके ऊपर, वापस से दो हमने डबल क्रोशे किए थे उसके ऊपर दो सिंगल क्रोशिया। अब लूप लेकर के इस ग्रीन के नीचे से हमें पूरा लूप उठा लेना है और इसके नीचे से हमें क्रोशे को निकाल करके ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, आगे के दो लूप निकालने हैं, कंप्लीट नहीं करना है, फिर से लूप लेना है, फिर से इस साइड वाले ग्रीन के नीचे डालना है और फिर से लूप लेकर के आगे के दो निकालने हैं। फिर जब तीन लूप हो जाए क्रोशे में
तब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। वापस से हमें यहाँ पर से पहला जो हमारा पिंक है इसके ऊपर एक, नेक्स्ट के ऊपर दो, ऐसे ही हमने दो सिंगल क्रोशे बनाए। फिर से हम तीसरे वाले में करेंगे, इसके ऊपर तीन चेन करेंगे और साइड के दो लूप उठा करके ऐसे इसी के ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हमें तीन बार करना है, ऐसे ऐसे किया, फिर से नेक्स्ट के ऊपर और एक बार बनाएंगे, एक दो और तीन, ऐसे तीन बार हो गया। अब हम दो बार सिंगल क्रोशा करेंगे, एक और ये दो, फिर से लूप लेंगे और इस साइड के ग्रीन के ऊपर ऐसे करेंगे, पूरे उठाएंगे और आगे के दो निकाल देंगे। फिर से लूप लिया, इसके ऊपर डाला, आगे के दो निकाल दिए। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। वापस से यहाँ पर जैसे हमने बनाया था वैसे दो हमारे सिंगल क्रोशे, फिर तीन ट्रिपल क्रोशे के ऊपर इस तरह से। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है और आखिरी बार हमारा बनाना बाकी है। तो यहाँ पर हम जैसे पहले करते थे वैसे ही आगे के दो निकाल देंगे, फिर से ऐसे करेंगे और आखिरी में हमें इस तरह से दो डबल क्रोशे के ऊपर दो बार सिंगल क्रोशा बना लेना है और तीसरी बार में हमें इस तरह से एक दो और तीन ऐसे करके साइड में से इस तरह से लूप लेकर के सिंगल क्रोशा बना देना है। फिर से सिंगल क्रोशा, फिर से एक दो और तीन, और साइड में से इस तरह से लूप को उठा करके सिंगल क्रोशा बना देना है। फिर से तीसरी बार, फिर से एक दो और तीन, फिर से ऐसे, और अब हमारा आखिरी बार दो सिंगल क्रोशा, एक और ये दो। फिर से यहाँ पर एक चेन बना देंगे और इसी के ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे, फिर से एक चेन बना देंगे और इस ग्रीन वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से इस साइड जैसे हमारा दिखता है वैसा ही सेम हम बना देंगे, फिर से एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, सेम प्लेस पर दूसरा सिंगल क्रोशिया ऐसे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी वाइट बना दिया और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को लंबा रख करके काट देंगे, फिर निडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारा तोरण बन करके रेडी हो गया है और इसमें हमने निडल की मदद से मोती लगाए हैं। अगर आप चाहे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना वैसे भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए अगर मोती लगाना चाहे तो इस तरह से करेंगे, धागा हमने निडल में पिरो लिया है और यहाँ पर नॉट लगा करके एक बार इस तरह से पक्का कर लेंगे और फिर यहाँ पर साइड में से यहाँ पर निकाल देंगे और फिर यहाँ पर ऐसे करके इस साइड में से यहाँ पर निडल को निकाल देना है, ऐसे ऐसे कर दिया। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से लेकर के ग्रीन में से निकाल देंगे ऐसे, फिर से मोती लेंगे और फिर से वापस से सामने ग्रीन में से इस साइड निकाल देंगे ऐसे। तो ऐसे ही आप मोती लगा दीजिए। तो देखिए तोरण बन करके रेडी हो गया है, हमने सारे मोती लगा दिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।